करण कुंद्रा ने दोस्तों अभी एक डायलॉग मार दिया है, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, इतना लाइफ बर्बाद हो गया, इतना लाइफ बर्बाद हो गया। कंगना की क्वीन याद है आपको, कंगना रनौत जिन बातों को लेकर रो रही थी याद है आपको, वैसे ही कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर करण कुंद्रा भी घर में रो रहे हैं। आइए आपको एक फनी कॉन्वर्सेशन बताता हूं कि आखिरकार करण कुंद्रा क्यों रो रहे हैं। जब आपको पोहे के साथ दाल खानी पड़ेगी तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। स्वागत है आपका भी बब्बूज में, आ गया हो चंदोज राहुल बोझ। चैनल को बड़ा बट सब्सक्राइब करो यारो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल बोझ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करो। चला बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार क्या हो रहा है बिग बॉस के घर के अंदर। दोस्तों घर के अंदर यहां पर जो माजरा है वो माजरा सचमुच में ना बड़ा ही टफ है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि बात करते हुए नजर आते हैं नन अदर देन दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, यस हाँ, बात करते हुए दोस्तों नजर आते हैं करण कुंद्रा, और करण कुंद्रा बात कर रहे हैं निशांत भट्ट से। निशांत भट्ट की अगर मैं बात करूं तो निशांत भट्ट करण से बात कर रहे हैं, पुराने दोस्त हैं ये लोग, बातचीत कर रहे हैं, और उसी बातचीत के दौरान जो है वो बोलते हैं कि यार मेरे को है ना, मेरी पॉटी ऐसी होगी, मेरी पॉटी वैसी होगी, ऐसा वैसा ये वो करके वो बात करते हैं। ठीक है, अब इस पर आपको बता दूं तो करण कुंद्रा बोलते हैं कि यार मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी, मतलब क्या सोचा था, क्या हो रहा है मेरे साथ बिग बॉस के घर में, और मेरे नाक के बाल बढ़ रहे हैं, मेरे कान के बाल बढ़ रहे हैं, मैं ट्रिम नहीं हो पा रहा हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, चप्पल नहीं है मेरे पास यार, मैं क्या करूं। उसका निशांत को बताता है, फिर उसके बाद निशांत को भी बताता है कि मेरी तो लाइफ झंड हो गई है क्योंकि पोहे के साथ मैं दाल खा रहा हूं। मतलब इमेजिन दैट कि दाल और पोहा ये किस किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो करण कुंद्रा इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखें।